हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो वेस्ट वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है। वेस्ट वाटर में ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए विभिन्न तरह के डिवाइसों का इस्तेमाल किया जाता है। जिन डिवाइसों का इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन को रिच करने के लिए वेस्ट वाटर में, उन डिवाइसों को बोलते हैं एरिएटर। तो आज समझेंगे कि एरिएटर होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि कितने तरह के एरिएटर का इस्तेमाल किया जाता है वेस्ट वाटर में ऑक्सीजन को रिच करने के लिए, या सॉइल के अंदर ऑक्सीजन को रिच करने के लिए। तो एरिएटर का समझ लेते हैं, एरिएटर क्या होती है। एरिएटर ऐसी डिवाइसेस होती हैं या ऐसी मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं वेस्ट वाटर के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए, या वेस्ट वाटर को ऑक्सीजन रिच बनाने के लिए। दूसरी तरह समझ सकते हैं कि अगर जब हमारे पास सॉयल है और वाटर है, दोनों के अंदर अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम है, तो उसमें हम जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एरिएटर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरिएटर की बात करें तो एरिएटर तीन तरह के होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट टाइप का है वो है ग्रेविटी या फ्री फॉल एरिएटर। इनकी और कैटेगरी देखी जाए तो ये भी कई तरह के होते हैं, जिसमें होती है कैस्कॉड एरिएटर, इंक्लाइंड एप्रॉन एरिएटर, स्लॉट ट्रे एरिएटर और ग्रेवल वेड एरिएटर होते हैं। जो किस कैटेगरी में आते हैं, ग्रेविटी या फ्री फॉल एरिएटर की कैटेगरी में आते हैं। जो सेकेंड टाइप जो एरिएटर होते हैं वो होते हैं स्प्रे एरिएटर। जो थर्ड टाइप के एरिएटर होते हैं वो होते हैं एयर डिफ्यूजर बेसिन। दोस्तों, अगर आप एरिएटर और एरिएटर के टाइप्स को जान गए और इनको आप डिटेल से जानना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप हमारे चैनल पर जाइए, उसमें वीडियो में जाके आप एरिएटर सर्च करिए तो आप वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिए, तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी हो जाएगी। इस सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।